क्योंकि गुरुगद्दी का कईयों ने बड़ा शोर मचाया था, शायद आपने सुना ही होगा। जब आंधी तूफान आते हैं तो बहुत सारे शोर मचाते हैं, तो कहा गया था कि जी धक्के से गुरुगद्दी, ये वो फला। अब ध्यान से सुनना आप, गुरु जी ने अगर जायदाद की बात करें तो हमारे गांव में लगभग 170 से 190 बिघा तो जमीन जायदाद ज्यादा थी। सबसे पहले ट्रैक्टर हमारे आया था शायद 52 में या 54 में, ध्यान नहीं है। और तब जिले में सिर्फ दो ही ट्रैक्टर थे, जो जो सामान आता गया सबसे पहले वहां आता गया। घर में विप्रवा जी ने ऐसी जगह जन्म दिया, तो यानी कोई कमी नहीं थी। ट्रैक्टर नए आए वो भी पहली बार वहां आया, गाड़ी आई तो वहां पहले आई, तो उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि, जो उनकी कृपा दृष्टि हुई, तो यानी उस लिहाज से तो हमें कोई लालच नहीं था। क्यों, वहां ज्यादा बड़ा घर था, इधर तो कोई चक्कर ही नहीं था। पर जब मीटिंग शुरू हुई 89 में, तो बेपरवाह जी ने फरमाया, हमने गुरुगद्दी पे किसी को बिठाना है, आप हमें नाम दो। बहुत सारी मीटिंग चली, नाम बताओ, किसी ने परिवार का बताया, किसी ने परिवार के रिश्तेदार का बताया। बेपरवाह जी गुस्से हो गए जब परिवार का नाम बताया जाए रिश्तेदार का।